हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अंडा करी, अंडा आलू का करी यानी कि अंडे की तरकारी कैसे बनाएंगे। हम आपको बना के दिखाएंगे। सबसे पहले हमने 4 अंडे ले लिए हैं, 4 एग। इसको हमने बॉईल करके इसके चोपे भी छील लिए हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद में हमने 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज के, जिसके हमने बॉईल करके उसके भी हमने चोपे छील लिए हैं। उसके बाद में हम आप सबको मसाला दिखाएंगे। देखिए, हमने लिए हैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे हमने पतला बारीक करके काट लिए हैं। और हमने 2 रुपये गरम मसाले लिए हैं, और चाय के चम्मच में 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिए हैं, और कुछ ये तेज पत्ते हैं। और हमने हरी मिर्च 2 काट लिए हैं। चाय के चम्मच में 1.5 चम्मच सॉल्ट है, और चाय के चम्मच में 1 चम्मच जीरा पाउडर है, चाय के चम्मच में 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, चाय के चम्मच में 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है। अब हम आपको दिखाएंगे इस तरफ। देखिए, हमने 2 मीडियम साइज के टमाटो लिए हैं, जिसे हमने छोटे छोटे पीस में काट दिए हैं। इसके बाद में हमने लिए हैं कुछ हरे पत्ते, हरे धनिया पत्ते, जिसे हमने छोटे धो के छोटे छोटे पीस में काट दिए हैं। अब हमको देखिए फ्रेंड्स, हम जो बनाने वाले हैं अंडा करी, आपको सारा सामग्री दिखा चुके हैं। अब हम बनाने की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए, हम अब गैस ऑन करते हैं। हमने गैस में कढ़ाई चढ़ा ली है, हमने गैस ऑन कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले तेल डालेंगे, चाय के चम्मच में 4 चम्मच अंदाज। देखिए, अब तेल को अब हम गरम होने देते हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले अंडे को थोड़ी हाफ पका लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अंडे डालते वक्त तेल इस तरह फटकता है, तो ना फटकने के लिए हम थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल लेंगे इसमें। ठीक है, चुटकी भर नमक डाल लेंगे ऐसे। अब हम इसे अच्छी तरह लाल कर लेंगे इस चम्मच से, ऐसे धीरे धीरे। आप देख सकते हैं अंडा थोड़ा थोड़ा लाल हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरह लाल करेंगे पूरा, ऐसे हल्का हल्का पूरा लाल करेंगे ऐसे। देखिए दोस्तों, ये हमारा 3 अंडा अच्छी तरह लाल हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, एक ही बाकी है, इसको हम अच्छी तरह लाल कर लेंगे ऐसे निकाल लेते हैं। ओके, हमें निकाल लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह लाल कर लेते हैं, थोड़ा सा आंच बढ़ा लेते हैं। चलिए देखिए, हमने अंडे निकाल लिए हैं। अब ये बचे हुए तेल में हम डालेंगे फर्स्ट प्याज। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे। ओके, अच्छी तरह पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज थोड़ा पक चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जो चाय के चम्मच हमने 1.5 चम्मच डाले थे, 2 चम्मच डाल देते हैं, मिला देते हैं। फिर अच्छी तरह पका लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें धीरे धीरे सारा मसाला डालेंगे, तेज पत्ते, हरी मिर्च, बाकी मसाले सब डालेंगे इसे। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं इसे। क्या हम इसमें 1/2 कप पानी मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह पका लेते हैं, मसाले का स्मेल पूरा अच्छी तरह मिल जाएगा। देखिए, इस तरह अच्छी तरह पका लेते हैं स्लो आंच में 2 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे ऐसे। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं। अब टमाटर को इसमें 2 मिनट अच्छी तरह ढक के पकाएंगे। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे, इसको और 2 मिनट अच्छी तरह बनाए पकाएंगे ऐसे स्लो आंच में। 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसे पक के देखेंगे। इस तरह पक रहा है, अभी टमाटर घुला नहीं है, अच्छी तरह पका नहीं है। हम इसी तरह और 2 मिनट बनाएंगे इसको।
चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कहाँ तक आ गया। आप देख सकते हैं हमारा करी, अंडा करी का करी एकदम रेडी है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। देख सकते हैं हमने एक चुटकी रंग लिए हैं जिसको पानी से फेंट दिए हैं। आप इसमें डालेंगे आलू के ऊपर इस तरह, इसको मिला लेंगे अच्छी तरह। हमने रेड कलर का रंग लिया है एक चुटकी, इसको अच्छी तरह पका लेते हैं। इसी के ही ऊपर में हम अब अंडे छोड़ लेंगे ऐसे, इसको अच्छी तरह मिला के पका लेते हैं। फ्रेंड्स हमने गरम मसाला रखे थे, देखिए हम इसमें गरम मसाला डालेंगे ऐसे, थोड़ा डालेंगे, थोड़ा बचा के रखेंगे ऊपर डालने के लिए। देखिए ये अंडे का करी, अंडे आलू की करी एकदम रेडी है। अब हम इसे पानी डालेंगे इसमें, देखिए करी के लिए। आप देख सकते हैं कितना लजीज दिख रहा है। अगर आपको अंडा करी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल समरीन किचन को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये 200 ml का ग्लास है, हम इसे एक ग्लास डालेंगे पानी इसमें। ठीक है धीरे धीरे अब हम इसको मिला लेते हैं। इसी तरह ये भी 200 ml का है, इसे आधा डालेंगे, 100 ml डालेंगे, बचा के रखते हैं कुछ। ठीक है हमने इसे पानी डाल दिया। अब जो बचा कुचा मसाला हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे ऐसे, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे ढक के फूटने देंगे। देखिए दोस्तों करी फूट के आ रहा है, अब हम इसको अच्छी तरह फूटने देंगे। ठीक है फ्रेंड्स ये फूट गए हैं अच्छी तरह, तो उसको से मिला लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितना लजीज दिख रहा है, नाइस। ये अंडा, ये आलू, अंडा करी रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स करी रेडी है, अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स अंडा करी का एकदम रेडी है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल समरीन किचन को सब्सक्राइब कीजिए। ये थोड़ा गर्म है, हम इसे कपड़े से पकड़े हैं। आप देख सकते हैं कितना लजीज है। देखिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।